रेडी फेडी वालों के लिए साफ सफाई, आजीविका, कानून अधिकार विषयों पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ नगर परिषद अध्यक्ष सलोचना देवी द्वारा टाउन हॉल हमीरपुर में किया गया। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी विनोद कुमार शर्मा ने कार्यशाला में प्रतिभागियों और मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए कार्यशाला के उद्देश्य के बारे में जानकारी दी। सहयोगी संस्था हरियाणा नवयुग कला संगम से डॉक्टर प्रवीण ने बताया कि इस कार्यशाला में रेडी फेडी वालों को कानूनी जानकारी देने के साथ साथ साफ सफाई का महत्व एवं भारत सरकार व हिमाचल सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न परियोजनाओं से अवगत भी करवाया गया। कार्यक्रम है 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है, ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए रेडी फेडी जो लगाते हैं उनका है। ये दीनदयाल अंत्योदय योजना है जो इसमें राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत जितने रेडी फेडी वाले हैं उनको साफ सफाई पे, कचरा प्रबंधन पे उनके क्या कानूनी अधिकार हैं और किस तरीके से उनके दायित्व बनते हैं कि वो शहर को साफ सुथरा कैसे रख सकें, और इसके अलावा उनके जो आगे आने वाली जो स्कीमें हैं गवर्नमेंट की उनसे उनको कैसे जोड़ा जाए, जैसे जनधन योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, अटल पेंशन योजना है, या जो इनके बेंडिंग जोन बने उन सब पे विस्तार से 2 दिवसीय इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में चर्चा होगी। इनकी अपनी योजना है जो 2014 में जो कानून बना था स्ट्रीट वेंडर एक्ट जिसको हम बोलते हैं, ये कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था और हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2016 में इसको अपनाया और स्कीम बनाई इसका कि भाई जो भी रेडी फड़ी लगाता है उसको अपना जीवन यापन करने के लिए अधिकार है कि वो रेडी फड़ी लगाकर अपना जीवन यापन कर सकता है, और उसकी कुछ नियम और शर्तें बनाई, तो वो नियम और शर्तें इनको बताई जाएंगी। इनको कार्ड पहले दिए जा चुके हैं नगर परिषद हमीरपुर की ओर से, अब इनको ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। ट्रेनिंग देने के बाद इनको जैसे मुद्रा योजना है जिससे इनको 50,000 तक का लोन तो बिना किसी मतलब कोलेटरल के, जिसको हम बोलते हैं गहने नहीं रखना पड़ेगा इनको कुछ भी चीज़, जहाँ जैसे बेशक इनको प्लाट हो, कुछ ज़मीन हो ना हो, फिर भी इनको बैंक लोन मुहैया कराएगा। और इसके अलावा जैसे पेंशन योजना है, क्योंकि ये कहीं पे इनकी एक उम्र है 50-60 साल तक रेडी फड़ी लगाते हैं, इसके बाद बुजुर्ग हो जाएंगे, तो इनको एक अटल पेंशन है उससे भी जोड़ने का प्रावधान है, जिसमें कुछ थोड़े से पैसे हर माह ये सेव कर लें अगर अपने, तो 60 साल की उम्र के जब होंगे तो इनको 5,000 तक की पेंशन उस अटल पेंशन योजना से मिल सकती है, तो उसके लाभ पात्र हैं। तो इस तरीके से 3-4 योजनाओं के बारे में तो इनको कल हम लोग इनके फार्म भी भरवाने की कोशिश करेंगे कि जो इच्छुक होंगे वो अपने फार्म भरें यहीं पे वर्कशॉप के दौरान ही। नवयुवक कला संगम संस्था है वो इनका कल फ्री में बीमा करवाएगी सभी रेडी फड़ी वालों का। हमीरपुर के लगभग 240 के करीब हैं, उनका 2-2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा संस्था की ओर से मुफ्त कराया जाएगा। इस मौके पर डॉक्टर मीना ने स्वच्छता और जीविका अधिकार व फेरी वालों के कर्तव्य पर विस्तृत जानकारी भी दी। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि शहरी पथ विक्रेता अधिनियम 2014 को सारे देश में लागू कर दिया गया है। सरकार रेडी फेडी वालों के लिए अधिकारों के लिए अति संवेदनशील है, जिस संबंध में इस 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। उन्होंने सभी उपस्थित रेडी फेडी वालों से अनुरोध किया है कि वे इस 2 दिवसीय कार्यशाला का पूरा लाभ उठाएं। नगर परिषद हमीरपुर में 2 दिवसीय एक वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन जो है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत रेडी फड़ी विक्रेताओं को जो कि शहर में हैं उनके स्वास्थ्य, उनका आजीविका कमाने के लिए या उनकी कूड़ा करकट निपटान के लिए, उनको बैंक से लिंकेज के लिए, उनका डेली जो इनकम होती है उसको कैसे सेव करें, कैसे करें, कहाँ इन्वेस्ट करें उसके लिए, और उसके अलावा जहाँ ये लोग रहते हैं इसको, इस इलाके को या अपनी दुकान को कैसे एक रूपता लाई जाए, और इसके अलावा कहाँ जैसे शहर में स्ट्रीट वेंडिंग जोन जो है इनको चिन्हित करने के बारे में इस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए हरियाणा नवयुवक मंडल जो एक एनजीओ है उनके माध्यम से 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सभी जो शहर के रेडी फड़ी विक्रेता हैं उनको बुलाया गया है, और 10 से 5 बजे तक जो 2 दिन जो है इनको कार्यशाला में इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, 7वें दिन को खाने का भी प्रबंध होगा और मानदेय भी इनको दिया जाएगा।